अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट स्टूडेंट आज हम हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, देन स्टूडेंट हम इससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम और लेमा डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो डेफिनेशन है हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर की वो क्या है स्टूडेंट। सो लेट्स स्टार्ट। हिल्बर्ट जॉइंट ऑपरेटर, हिल्बर्ट और जॉइंट ऑपरेटर सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं वो क्या स्टूडेंट। स्टूडेंट हमारे पास डेफिनेशन है हिल्बर्ट और जॉइंट ऑपरेटर की, जिसमें हमारे पास क्या कहा जा रहा है, लेट टी फ्रॉम H1 टू H2 बी अ बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर। हमारे पास टी क्या है, एक बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है H1 से H2, वे H1 और H2 जो है वो हमारे पास क्या है, हिल्बर्ट स्पेसिस हैं। देन द हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर टी स्टारिक इज टी स्टारिक फ्रॉम H2 से H1 सच दैट फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू H1 कॉमा वाई बिलोंग टू H2 इनर प्रोडक्ट टी ओ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट एक्स कॉमा टी स्टारिक ऑफ वाई, राइट। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर, राइट। तो ये तो स्टूडेंट हमारे पास डेफिनेशन थी हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर की। अब स्टूडेंट हम इनसे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हम उस थ्योरम की स्टेटमेंट देखते हैं और देन स्टूडेंट हम उसके प्रूफ पर जाएंगे। स्टेटमेंट क्या है थ्योरम, थ्योरम एग्जिस्टेंस, इसकी स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है, द हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर टी स्टारिक ऑफ टी एग्जिस्ट इज यूनिक एंड इज बाउंडेड, राइट, एंड लीनियर ऑपरेटर विद नॉर्म टी स्टारिक इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी, राइट। इट मीन्स दैट कि हमारे पास जो हिल्बर्ट और जॉइंट ऑपरेटर होता है टी स्टारिक ऑफ टी, वो जब एग्जिस्ट करेगा, जब एग्जिस्ट करेगा तो वो हमेशा यूनिक होगा, क्या होगा, यूनिक होगा, और उसके साथ वो बाउंडेड भी होगा। उसकी जो नॉर्म होगी, नॉर्म टी की और एडजॉइंट ऑपरेटर हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर टी स्टारिक की, दोनों की जो नॉर्म होगी वो सेम होगी, राइट। तो ये स्टूडेंट हमारे पास स्टेटमेंट है कि हमारे पास हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर अगर एग्जिस्ट करता है वो यूनिक होगा और उसके साथ बाउंडेड होगा और उनकी नॉर्म जो है वो सेम होगी, राइट। अब स्टूडेंट हमारे पास इसका प्रूफ में क्या कहा जा रहा है, द प्रूफ द फार्मूला एच ऑफ एक्स कॉमा वाई विच इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट y कॉमा टी ऑफ एक्स एंड दिस इक्वेशन नंबर इज 1, राइट। ये हमने पीछे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम ये डिस्कस कर चुके हैं। डिफाइन अ सिक्स की लीनियर फॉर्म ऑन h1 क्रॉस h2 बिकॉज इनर प्रोडक्ट इज सिक्स की लीनियर एंड t इज लीनियर, राइट। इन फैक्ट कंजुगेट लीनियरिटी ऑफ द फॉर्म इज h ऑफ y कॉमा अल्फा एक्स वन प्लस बीटा एक्स टू विच इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट y कॉमा टी ऑफ अल्फा एक्स वन प्लस बीटा एक्स टू, राइट, विच इज फर्दर इसको सॉल्व करेंगे इनर प्रोडक्ट y कॉमा अल्फा टी ऑफ एक्स वन प्लस बीटा टी ऑफ एक्स टू। यहाँ से हमारे पास क्या है, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ इनर प्रोडक्ट, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा बार इनर प्रोडक्ट y कॉमा टी ऑफ एक्स वन प्लस बीटा बार इनर प्रोडक्ट y कॉमा टी ऑफ एक्स टू, राइट। तो ये तो स्टूडेंट हमारे पास इसकी स्टेटमेंट थी और उसका प्रूफ। अब इसके बाद नेक्स्ट इसका जो रिमेनिंग प्रूफ है वो देखते हैं वो क्या है अल्फा बार इंटू एच ऑफ वाई कॉमा एक्स वन प्लस बीटा बार एच ऑफ वाई कॉमा एक्स टू, राइट। सो यहाँ से हम कहेंगे कि एच जो है वो हमारे पास क्या है, लीनियर है। फॉर एच इज बाउंडेड, बाउंडेडनेस के लिए हमारे पास क्या है, बाय शहबाज इनइक्वालिटी, बाय शहबाज इनइक्वालिटी हमारे पास क्या है, मोड एच ऑफ वाई कॉमा एक्स, इसका मॉड लेंगे तो ये हमारे पास क्या है, मॉड वाई इनर प्रोडक्ट वाई कॉमा टी ऑफ एक्स, राइट। तो यहाँ से शहबाज इनइक्वालिटी, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई नॉर्म ऑफ टी ऑफ एक्स, ये हेयर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या है, नॉर्म ऑफ टी, नॉर्म ऑफ एक्स, नॉर्म ऑफ वाई, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कि वाई कॉमा एक्स लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी, नॉर्म ऑफ एक्स, नॉर्म ऑफ वाई, राइट। बाई यूजिंग टेकिंग द सुप्रीमम, या अब हम सुप्रीमम लेंगे और एक्स वाई को डिवाइड करेंगे
ये चीज बन जाएगी, और यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा नॉर्म ऑफ एच लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी, एंड दिस इक्वेशन नंबर इज 1। अब इसके बाद स्टूडेंट हम नेक्स्ट देखते हैं वो क्या है, हमारे पास ऑल्सो नॉर्म ऑफ एच इज इक्वल टू सुप्रीमम मॉड इनर प्रोडक्ट वाई कॉमा टी ऑफ एक्स ओवर नॉर्म ऑफ वाई नॉर्म ऑफ एक्स, वेयर एक्स नॉट इक्वल टू जीरो वाई नॉट इक्वल टू जीरो, राइट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नॉर्म ऑफ एच ग्रेटर देन इक्वल टू सुप्रीमम, राइट, वेयर हमारे पास क्या है वाई की जगह पर हम क्या पुट करते हैं टी ऑफ एक्स पुट करेंगे, राइट। तो यहाँ से हमारे पास इनर प्रोडक्ट नॉर्म इनर प्रोडक्ट टी ऑफ एक्स राइट, और नीचे हमारे पास क्या है टी ऑफ एक्स, नॉर्म ऑफ टी ऑफ एक्स नॉर्म ऑफ एक्स, वेयर एक्स नॉट इक्वल टू जीरो टी ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हमारे पास क्या है ये इक्वल टू टी के है, राइट। सो दिस इक्वेशन नंबर इज 2। अब बाय इक्वेशन 1 एंड 2 हमारे पास क्या है इन नॉर्म ऑफ एच इज इक्वल नॉर्म ऑफ टी। सो बाय रीज रिप्रेजेंटेशन फॉर एच के हमारे पास एच ऑफ वाई कॉमा एक्स इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई कॉमा एक्स, राइट, और दिस इक्वेशन नंबर इज 2, राइट। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमने प्रूव किया है कि जो हमारे पास एच है, जो एच और टी की नॉर्म है वो सेम है, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं वो क्या है स्टूडेंट, वी नो दैट हम जानते हैं कि टी स्टारिक फ्रॉम एच टू एच वन, कि हमारे पास जो टी स्टारिक है हिल्बर्ट डिजॉइंट ऑपरेटर जो कि एच टू से डिफाइन किया गया, इज यूनिकली डिटरमाइंड बाय लीनियर ऑपरेटर विद नॉर्म टी स्टारिक, नॉर्म ऑफ टी स्टारिक इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ एच इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी। दिस इम्प्लाई दैट नॉर्म टी स्टारिक इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी। सो बाय दिस ऑल्सो बाय कंपेयरिंग 1 एंड 2 विच इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट y comma t of x is equal to inner product t starik of y comma x, so taking by conjugate, so here hamare paas inner product t of x comma y is equal to inner product x comma t of t starik of y, so here we can say that t star is operator, right। hamare paas theorem tha hilbert adjoint operators se related, ab student hum inse related ek bahut important lemma discuss karte hain jo ki zero operator se related hai। सबसे पहले तो हम इस लेमे की स्टेटमेंट देखते हैं और देन स्टूडेंट हम इसके प्रूव कर जाएंगे। ऑपरेटर से रिलेटेड है, इसकी स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है, लेट एक्स एंड वाई बी इनर प्रोडक्ट स्पेसिस, एक्स और वाई जो है वो हमारे पास क्या इनर प्रोडक्ट स्पेसिस हैं, ओ फ्रॉम एक्स टू वाई बी अ बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर, ये हमारे पास क्या है ओ फ्रॉम एक्स टू वाई ये हमारे पास बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर, देन ओ इज इक्वल टू जीरो, ओ यहाँ पर हम जीरो ऑपरेटर के तौर पर मानकर चल रहे हैं, O is equal to zero if and only if inner product O of x is equal O of x comma y is equal to zero for all x belong to capital X, small y belong to capital Y. If O from x to x where x is a complex, so inner product O of x comma x is equal to zero for all x small x belong to capital X, then O is equal to zero where O is a zero operator, where I'm रिप्रेजेंट कर रहे हैं ओ को एज अ जीरो ऑपरेटर लेकर मानकर चल रहे हैं, राइट। तो ये तो स्टूडेंट हमारे पास इसकी स्टेटमेंट थी जीरो ऑपरेटर की। अब स्टूडेंट हम इसका प्रूफ देखते हैं वो क्या है, प्रूफ क्या है, प्रूफ में हमारे पास ए पार्ट ओ ऑफ जीरो मीन्स ओ ऑफ या ओ हम जीरो ऑपरेटर के तौर पर लेकर चल रहे हैं, ओ ऑफ जीरो मीन्स ओ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स, राइट, दिस इंप्लाइज दैट इनर प्रोडक्ट ओ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट जीरो कॉमा वाई, और ये सेम एज इट आई, और इसको हम लिख सकते हैं जीरो इंटू इनर प्रोडक्ट डब्ल्यू कॉमा वाई, एंड दिस इज इक्वल टू जीरो, हेयर हमारे पास दिस बिकम दिस इज अ जीरो, एंड हेयर हमारे पास कन्वर्सली हम क्या चलेंगे कि इनर प्रोडक्ट ओ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई, दिस इंप्लाई दैट ओ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स वेयर जीरो, राइट। तो ये तो स्टूडेंट हमने इसका फर्स्ट ए पार्ट प्रूव किया है। अब इसका स्टूडेंट हम बी पार्ट देखते हैं वो क्या है स्टूडेंट, क्वेश्चन इनर प्रोडक्ट ओ ऑफ वी कॉमा वी इज इक्वल टू जीरो फॉर एवरी वी इज इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस वाई बिलोंग टू एक्स, दैट इज जीरो इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ओ ऑफ अल्फा एक्स प्लस वाई कॉमा अल्फा एक्स प्लस वाई, राइट, बाई यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ इनर प्रोडक्ट हम इसको लिख सकते हैं अल्फा अल्फा मॉड अल्फा का स्केयर इंटू इनर प्रोडक्ट ओ ऑफ एक्स कॉमा एक्स प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई कॉमा वाई प्लस अल्फा इंटू इनर प्रोडक्ट ओ ऑफ एक्स कॉमा वाई प्लस
कॉन्जुगेट अल्फा बार इन डो इनर प्रोडक्ट अल्फा ऑफ वाई कॉमा एक्स, राइट राइट टेकिंग ए, ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू वन, जब अल्फा हम इसके अंदर वन रखेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा पीछे, इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स कॉमा वाई प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई कॉमा एक्स इज इक्वल टू जीरो, राइट, दिस इक्वेशन नंबर इज वन. नेक्स्ट हमारे पास टेकिंग अल्फा इज इक्वल टू आई अयोटा एंड अल्फा बार इज इक्वल टू माइनस अयोटा, तो देन हमारे पास क्या बन जाएगी इक्वेशन, देन हमारे पास इनर प्रोडक्ट अल्फा ऑफ, यहाँ पर हम जब रखेंगे तो अल्फा ऑफ ओ ऑफ एक्स कॉमा वाई माइनस ओ ऑफ वाई कॉमा एक्स विच इज इक्वल टू जीरो. बाई इक्वेशन वन एंड टू हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास इनर प्रोडक्ट ओ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू जीरो, ऑल्सो बाय पार्ट ए हमारे पास जीरो ऑपरेटर ओ इज इक्वल टू जीरो, राइट. तो ये तो स्टूडेंट हमारे पास इसका सेकंड पार्ट था लेमे का, राइट right? तो ये तो स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर था जिसके अंदर हमने सबसे पहले डेफिनेशन देखी हिल्बर्ट और ज्वाइंट ऑपरेटर की, देन स्टूडेंट हमने इनसे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस किया, और उसके बाद स्टूडेंट हमने ये एक इनसे रिलेटेड एक लेमा डिस्कस किया जीरो ऑपरेटर के ऊपर, राइट. तो ये तो स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर था. इस लेक्चर के अंदर स्टूडेंट आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर स्टूडेंट पूछ सकते हैं. नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हम फंक्शनल एनालिसिस से रिलेटेड किसी नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.